क्वेश्चन नंबर 45 है कि इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया. इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. एंगल वन है ना, एंगल 3 और एंगल 4 जो इक्वल है, बट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, और एंगल 2 जो है ना एंगल 1 से लेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट. तो देखिए सबसे पहले समझते हैं क्या होता है. मान लीजिए ये एक सरफेस है जिसमें लाइट जो है ना इंसिडेंट हो रहा है और इसका नॉर्मल है, ठीक है. अब मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आर है. तो मान लीजिए आर का वैल्यू जो है ना वो लेस है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से. तो इसका मतलब सीधा हो जाता है कि ये जो मीडियम है रेयरर मीडियम है और ये जो मीडियम है ना ये डेंसर मीडियम है. जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम इंटर करता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो देखिए अब आंसर कौन सा सही होगा इसमें. तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3 बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम जो है 2 होगा, क्योंकि इसी में लाइट जो है बेंड हो रहा है, और 1 और 3 है ना और 4 ये सब सिमिलर होंगे क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इक्वल है. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम. बिल्कुल नहीं, ये डेंसरेस्ट मीडियम है. और ऑप्शन सी है, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये भी नहीं है. तो इसका 100% ऑप्शन डी होगा कि मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम बट मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1 एंड 3, ठीक है.